नमस्कार, जय माता दी। मैं अजय राजवेद अपने स्टॉक लेजेंड्स यूट्यूब चैनल पे आपने सभी दोस्तों और श्रोतागणों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत दिनों बाद आज आप सबसे फिर से मैं लाइव मिल पा रहा हूँ। आज जिस कंपनी और जिस चीज़ की मैं शुरुआत करने वाला हूँ, एक ऐसे स्टॉक के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में अपने स्टॉक को रखा हुआ है, और ये स्टॉक आने वाले टाइम में एक स्टॉक लेजेंड्स टटल की नई शुरुआत करेगा। इसमें जो मुझे सुन रहे हैं और जिसे मेरी बात समझ में आ रही है, वो इस पे अपनी पोजीशन ला के आगे अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट समझ के अपनी पोजीशन ला सकता है और एक बड़े गेन के लिए इस फायदे को उठा सकता है। जिस लेवल पे आज ये निफ्टी और इंडेक्स है, उस लेवल में हमें जो इन्वेस्टमेंट करना होगा वैसी कंपनी में करना होगा जिसमें नीचे का स्तर बहुत ही कम हो और जिस कंपनी में वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू हो। जिस कंपनी के बारे में मैं आज बताने वाला हूं, उस कंपनी का नाम है गॉडफ्रे फिलिप्स। गॉडफ्रे फिलिप्स के बारे में बता दूं, ये मोदी ग्रुप फ्लैगशिप के अंडर में आती है। आप जरूर सही सुन समझ पा रहे हो, इसके ऑनर ललित मोदी थे, और सिंस ये IPL कांड के बाद वो इससे अभी कंपनी से संबंध नहीं रखते हुए इनकी कंपनी को लीड कर रही है बिना मोदी, इनकी वाइफ। ओके, और इस कंपनी के बारे में बताऊं, गॉडफ्रे फिलिप्स वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग कंपनी है इंडिया की और FMCG कंपनी, और इसके पास वर्ल्ड रिनॉन्ड सिगरेट्स के ब्रांड्स हैं। अगर इसकी ब्रांड्स के बारे में बताऊं तो इनके ब्रांड्स हैं फिलिप्स मॉरिस के साथ इनकी टाइप ब्रांड है मालबोरो, फोर स्क्वायर, रेड एंड व्हाइट, कैवेंडर, स्टेलर, नॉर्थ पोल एंड टिपर। इसके अलावा ये कंपनी पान विलास, पान प्राग, पान विलास सिल्वर, ये इलायची और राग भी बनाती है, और इनके रिटेल स्टोर है 24/7 के नाम से। ये कंपनी के प्लांट आज के डेट में जहाँ स्थापित हैं, गुलबर्ग में इनका बहुत बड़ा प्लांट है और राफेल में भी इनका प्लांट है। ये कंपनी का ग्रोथ और फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में अगर मैं थोड़ा बताना चाहूँ आपको, तो इसकी कंपनी की मार्केट कैपिटल है 4,800 करोड़ के लगभग, और कंपनी 61 के पी अर्निंग पर शेयर पे काम कर रही है। इसकी PEL मार्केट के कंपनी में मार्केट PE चलती है 19 की, और ये कंपनी काम कर रही है 15 के PE पे। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.95 और 3% का लगभग डिविडेंड है। कंपनी के सालाना प्रॉफिट के बारे में अगर बताना चाहूँ, तो कंपनी का ईयरली प्रॉफिट और ईयरली सेल मैं दोनों बताता हूँ। 3,000 करोड़ की लगभग ईयरली सेल है कंपनी की, और कंपनी लगभग नेट प्रॉफिट कमाती है 384 करोड़ रुपये सालाना। कंपनी के कुछ फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा, जैसे कंपनी की नेट वर्थ है 2180 करोड़ और नेट प्रॉफिट है उस नेट वर्थ के अगेंस्ट में 340 करोड़ के लगभग। कंपनी की टोटल एसेट्स वैल्यू 3,295 करोड़ है, और आपको बताना चाहूँ तो इसकी डेप्ट रेशियो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो बताना चाहता हूँ। कंपनी की करंट एसेट वैल्यू 1,050 करोड़, लायबिलिटी है 738 करोड़ की, और डेप्ट रेशियो 0.01 का लगभग। कंपनी डेप्ट फ्री है, कंपनी पे डेप्ट है मात्र 12 करोड़ का 2180 के नेटवर्थ के कंपेरिजन में। और कंपनी की ग्रोथ स्टोरी बताना चाहूँगा आपको, कंपनी ग्रोथ जो कर रही है, कंपनी की ग्रोथ इस साल 22% की ग्रोथ दिख रही है, और एबिटा मार्जिन में भी अच्छा ग्रोथ है, और इनकी मार्जिन भी 12% के लगभग है, जो कि बहुत अच्छी मार्जिन है, बहुत ही शानदार मार्जिन है इस कंपनी की। वैल्यूएशन के हिसाब से भी कंपनी बहुत सस्ते भाव पे अवेलेबल है। इस कंपनी के भाव 920 से 850 के रेंज में अपने जिस भाव में मिले, अपने SIP मोड में, 50-50 मोड में आप इसमें इन्वेस्टमेंट करिए। मोड यही है कि अगर मुझे 100 से लेना तो 50 से अभी के भाव में, 50 से 850 का भाव आए तो ओल्ड लेके एवरेज करके इसको 1400 से 1700 के भाव में जब आए तब इसको बेचिए। ये भाव मुझे जल्दी 1 साल, 1.5 साल, 1.5 साल के अंदर आते हुए दिखेंगे। तो इस कंपनी के बारे में यही बोल सकता हूँ कि कंपनी शानदार रिटर्न देने के लिए तैयार बैठी है आपको। आपको बस इस पे अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से समझ के
इस पे बैठ जाना होगा इस स्टॉक को लेके। मुझे ये स्टॉक बहुत ही पसंद है, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया। और आपको ये बता सकता हूँ कि आप मेरे पोर्टफोलियो के अनुसार अपने पोर्टफोलियो में इसको रख सकते हो। अगर फ़ायदा हो आप लोगों को फ्यूचर में, तो आपका थैंक यू कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखेगा। और मैं लगातार आपसे जुड़ा हुआ हूँ, जुड़ा रहूँगा। और मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। जय माता दी। थैंक यू।